सभी का जीटीएनई झारखंड में मैं इंदु कुमारी आपको रूबरू कराती हूं आज की मुख्य खबरों से। साहिबगंज नगर टाउन हॉल के समीप चल रहे डिज्नीलैंड मेला में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। इस संबंध में मेला प्रबंधक रंजीत साह ने बताया कि मनोरंजन के लिए लगाए गए झूलों एवं लकड़ी से बनाए गए तरह तरह के सामान लोगों को आकर्षित कर रहे हैं।
होता है, बच्चा लोग हेलीकॉप्टर है, बहुत किस्म का झूला है, और आकर्षण आ गया 3D जो साइंस का आविष्कार है, वो हमारे पास रखा है, और आसाम का कैंट फर्नीचर, कोलकाता का आचार, बहुत किस्म का स्टॉल है। चांडिल के कुकरू प्रखंड के कई गांव में लगातार हाथियों का उत्पात जारी है। बीती रात हाथियों के झुंड ने कई घरों को तोड़ दिया। इस मामले को लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी और साथ ही मुआवजे की भी मांग की। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सह उपायुक्त एवं वरीय आरक्षी अधीक्षक के संयुक्त नेतृत्व में पटमदा एवं मोड़ाम प्रखंड अंतर्गत बनाए गए क्लस्टर एवं मतदान केंद्रों में उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का भौतिक सत्यापन किया गया। इस दौरान घाटशिला अनुमंडल पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला शिक्षा पदाधिकारी समेत अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे। पोटका के हकाई में क्रशर में बिजली जोड़ने के क्रम में नाइट गार्ड यादव सरदार की 11,000 वोल्ट के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पहुंची एवं शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM भेज दिया। मतलब घर में सब तार सब जुड़ रहे थे, हम लोग, मेरे पापा भी और मैं भी, तो उसके बाद उधर गांव में चला गया, मतलब उस साइड में, तो और दो लड़का था, तो फिर उधर भी जुड़ रहा था, फिर ट्रांसफार्मर में आया तो तीन लड़का था, तो मेरा पिता जो पर चढ़ गया, तो पहले से लाइन कटा था ना, नहीं अच्छा से नहीं कटा था, तो उसके बाद हमने भी तो नहीं देखा, हम यहाँ पर थे, तो उसके बाद क्यों गया था वो? हाँ, क्यों गया था वो लाइन जोड़ने के लिए ना, क्या करने के लिए, तो पता नहीं इतने ठीक से। पापा मिस्त्री है? हाँ, मिस्त्री था, मतलब कहीं पर काम करते थे क्रशर में। क्या मिस्त्री था? बिजली मिस्त्री था क्या? हाँ, मतलब थोड़ा था, मतलब मिस्त्री भी चला था ना, तो उसके बाद हम देखे दौड़ते गए जो वहाँ पर, ऐसे ऐसे हुआ। क्या नाम था? हाँ, यादव सर। यादव, यादव सर। विगत इसका यहाँ जो है ना, केसर बोले था, केसर तो उठा लिया, केसर अपना मालिक, तो लाइन यहाँ अंधेरा रहता था, हो सकता है कि वो अपना लाइन लेने का चक्कर में और ये जोड़ने का चक्कर में वो लाइन, हो सके वो बोला, सोचा होगा कि हम लाइन काट दिए हैं, लेकिन बीच वाला जम्फर जो नहीं कटा है, जिसका कारण उसको हाथ देने के बाद वो करंट से उसका मौत हो गया। कहाँ काम करता था ये, कौन था ये व्यक्ति, कहाँ रहने वाला? काम पहले ही केसर में नाइट गार्ड के रूप में रहता था पहले। अच्छा, अभी तो केसर बहुत दिन हो गया, हटा लिया है, अरे गांव में ही छोटा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ है, यहीं के रहने वाला था। आगामी चुनाव को लेकर पोटका पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जांच के तहत सभी वाहनों की जांच भी की जा रही है। चांडिल के कुकरू प्रखंड के तिरुलडी में आज बीते 1 अप्रैल से शुरू की गई रामचरितमानस नवाहन पारायण का समापन किया गया। अवसर पर गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा भी निकाली गई। बोकारो के चंदन क्यारी अंतर्गत सियालजोड़ी गांव में आज पुराने तालाब का जीर्णोद्धार किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कंपनी के डिप्टी CEO पंकज मल्लाह के द्वारा किया गया। इस दौरान पंकज मल्लाह ने बताया कि इस तालाब के जीर्णोद्धार से लोगों को काफी फायदे मिलेंगे। व्यवस्था की गई है, आगे चल के हम लोग पेयजल की भी व्यवस्था कर रहे हैं, पानी पीने का जो कुएं है उसकी मरम्मत कराई जाएगी ताकि लोगों को पानी मिल सके, और अगर हो सकेगा तो देखते हैं यहाँ पे ट्यूबवेल की क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, उसको भी करेंगे। सर, शिक्षा के लिए आप क्या करने जा रहे हैं सर? अच्छा, ठीक ठीक है। शिक्षा के लिए हमारे पास कुछ योजनाएं हैं, जो 1-8 योजनाएं बच्चों को आज की डेट में जो स्कूल के लेके जाने के लिए बस चल रही है वो तो चल ही रही है, उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। दूसरा, हमारे लिए बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा मिले उसके लिए कैसे अच्छे टीचर लाए जा सकते हैं, आज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तीसरा,
खेल के लिए बच्चों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है उसके लिए हम लोग कुछ कुछ कदम ले रहे हैं, जैसे फुटबॉल एकेडमी के लिए अभी हमारा CSR डिपार्टमेंट कर रहा है, इसी तरह तीरंदाजी के लिए भी बात चल रही है, ये ऐसे बच्चों को कैसे हम लोग पढ़ाई के साथ साथ खेल का भी जरिया बना सके। सर और एक सवाल है सर, सियालजोरी में जो लैंड डिपार्टमेंटल है सर, लैंड डिपार्टमेंटल से अप्रूवल होके गया है, लेकिन आपका वहाँ से अप्रूवल क्यों नहीं हो रहा है सर? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अगर अप्रूवल हो गया तो वहाँ से भी हो जाएगा? बहुत तो सर फाइल रुका हुआ है, हम तो मेरे पास भी बहुत ऐसे फाइल है जो कि अभी भी आपके टेबल से अप्रूवल नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो हो जाएगा,